ये ब्राह्मण समाज का है। हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद मध्य प्रदेश की तरफ से आज पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हमारे सभी जिलाध्यक्ष और हमारे संभाग के पदाधिकारीगण प्रत्येक जिला के कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में भी हमारे एक ऐसे महात्मा का जो कि पूजा पाठ करता था, पुरोहित था, इतना गरीब था कि आप लोगों ने सभी ने मीडिया में देखा होगा, उसको वहाँ के अपराधियों ने जला दिया, जिंदा जला दिया। उसकी मांग है हमारी ये उसको 50 लाख रुपया दिया जाए और उसके घर में जो भी जवान बेटे बेटियां हैं उनको नौकरी दिया जाए, और यदि हमारे इस प्रकार से जघन्य अपराध होते रहेंगे तो अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद पूरे भारत के अंदर आंदोलन छेड़ेगा। इसीलिए आज हम जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को अवगत करा देना चाहते हैं, और इस प्रकार से कई और प्रदेशों में भी हो रहा है, लेकिन ये जो जघन्य कांड हुआ है इसके लिए आज हम जिला कलेक्टर सत्ता को ज्ञापन सौंपेंगे, और अपने पूरे पदाधिकारियों के साथ हम आए हैं। संभागीय अध्यक्ष कैप्टन राज द्विवेदी, सोहन लाल शर्मा साहब हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश मंत्री और हमारे समस्त पदाधिकारीगण आज शामिल हैं, और इस विषय पर कि हमारे महात्मा के ऊपर, राजस्थान के ऐसे महात्मा के ऊपर आक्रमण करके हमारे वहाँ के अपराधियों ने कुकृत जघन्य अपराध किया है, इस विषय पर हमने हमारी मांगे हैं, और इस मांग को हम जिला कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति के नाम पर हमारा और जिला कलेक्टर को सौंप रहे हैं।